नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से, जहां शहर के गुनावती घाटी चौराहे स्थित तुरथपुरत माता जी मंदिर के आसपास हो रहे अवैध खनन व मंदिर सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि ज्ञापन में बताया कि तुरथपुरत माता जी मंदिर की सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा संबंधित विभाग को मंदिर के 45 मीटर के दायरे में आने वाली खानों को 8 मीटर पर कोटा सेफ्टी वाल बनाकर मिट्टी मलबा डालकर बंद करना था, लेकिन भ्रष्ट संबंधित विभाग व राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बार बार खनन करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते 20 मार्च 2022 को खान संख्या 142 के मालिक 20-25 अन्य लोगों को लेकर आए व मंदिर समिति व ग्रामवासियों के साथ गाली गलौज की व झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो गए। झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की ऐलानिया धमकियां भी दी, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने पुलिस थाने में जब मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे तो उन्होंने पहले ही हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा था, जिसमें राजनीतिक संरक्षण व रुपयों का प्रलोभन साफ दिखाई देता है। उन्होंने लिखा कि खान मालिक द्वारा मंदिर समिति सदस्यों को खान माफिया व भू माफिया बताया गया, जबकि मंदिर समिति ने निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक आज तक कानूनी लड़ाई ही लड़ी है। इनको खान माफिया या भू माफिया बताकर झूठा मुकदमा लगाना सरासर गलत है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर इस प्रकार मंदिर सुरक्षा के बगैर खनन कार्य चालू किया जाता है तो मंदिर को भारी शक्ति होने की पूर्ण आशंका है, जिसके मंदिर का रास्ता भी घिर सकता है। उन्होंने मांग की है कि थाने में दर्ज झूठा मुकदमा निरस्त किया जाए व अवैध खनन को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन व अनशन करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान नागौर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष व दूसरी सरपंच प्रकाश भाकर, ठाकुर मोहन सिंह चौहान, कैप्टन रामचंद्र सिंह, सूबेदार सुमेर सिंह, धनराज जोशी, विजय लड्डा, मंदिर पुजारी महावीर प्रसाद स्वामी, दिलीप सिंह, पार्षद सुमेर सिंह, पूर्व पार्षद गिरधारी राम मेघवाल, हजारी राम खत्ती, एडवोकेट सूरजमल, सांवता राम, श्याम सुंदर शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन राजस्थान न्यूज। मकराना के अंदर खान माफिया कांग्रेस राज के अंदर पनप रहा है, और जो तुरथपुर माता जी का मंदिर है उसमें पूरे मकराना तहसील की आस्था है और जन भावना का विरोध के अंदर यहाँ पे यहाँ के विधायक पूर्व रहे हुए जाकिर साहब है, उनकी सहयोग की वजह से इसी मिली हुई है माइंस को, और मंदिर के नीचे से माइंस को काटा जा रहा है, जिसे मंदिर पड़ने का पूरा खतरा है, और समस्त हिंदू समाज और सर्व समाज की इस मंदिर के प्रति आस्था है, जिसके नीचे माइनिंग की जा रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को पहले में लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं गाँव वाले, आज SDM साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी मीटिंग की जन सुनवाई में गच्चीपुरा गए, लेकिन यहाँ AO साहब को उन्होंने भेजा है, इनको हमने ज्ञापन दे दिया है। 4 बजे वापस यहाँ से मंदिर की जो संघर्ष समिति है वो यहाँ आके SDM साहब से बैठ के बात करेगी, और ये जो अवैध खनन हो रहा है इसको हम बंद करवाएंगे, और अगर इसको बंद नहीं करवाता प्रशासन तो इसका और आंदोलन रणनीति के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, और कल माइनिंग भी बंद करवाई जाएगी, और मुख्य रोड है वो जाम करेगा पूरा गाँव, और 36 कौम के लोग इसके साथ है, और माता जी महाराज जो हिंदू धर्म की मुख्य आस्था है, जो इस मकराना की रखवाली है जो माँ, उसके नीचे से हम पैर उसके नहीं काटने देंगे। तुरथपुर माता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुरथपुरी माता की जय हो। ज्ञापन हमने AO साहब को भी दे दिया है, और को हाईकोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, माइनिंग ऑफिस को भी हमने दे दिया है, और हाईकोर्ट का उल्लंघन करवा रहे, और खान माफिया है वो मिलके अवैध खनन करवा रहे, अगर वो नहीं मिले हुए है तो मैं उनसे ये सफाई इस मुद्दे पर उनसे मांगना चाहता हूँ कि वो वापस मीडिया के माध्यम से कहे कि वो गांव वालों के साथ है, और ये अवैध खनन जो हो रहा है इसको वो लोग बंद करवाए, जब हम मानेंगे कि वो हमारे साथ है, नहीं तो वो उनसे मिले हुए हैं, ये हम कहेंगे खुले मंच से, और बंद करा के रहेंगे। प्रशासन ने अगर झूठा मुकदमा करके गांव वाला ने और माता जी का जगह मंदिर की रक्षा करवाए तो समिति बनेड़ी है, व कार्यकर्ता अगर झूठा मुकदमा करे तो सब गाँव साथ में है, उन्हीं को विरोध किया जाए।